मतलब गरीब आदमी चैन से हगे ना, तुम लोग यहाँ पे भी आके टपक गए। आ गए हो तो देख के जाना, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं सीधे सेट पे। हेलो एवरीवन, तो फाइनली आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। तो आप लोग के लिए मैं नया कुछ ले के आया हूँ। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने मार्केट अपने एरिया में बनारस का सबसे मशहूर किला रामनगर फोर्ट, तो मैं जो मेरे साथ भाई लोग हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन लोग को बारे में किले के बारे में देखिए अगर कुछ जानकारी दे सकते हैं तो आप लोग को मैं दिखाऊँ। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा ये रामनगर किले के बारे में, देखिए ये क्या बता सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है? बीरू यादव, कैमरामैन। कैमरामैन बीरू यादव, तो आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी करते हैं किला के पास। अच्छा, जो टूरिस्ट यात्री यहाँ पे आते हैं, दक्षिण भारतीय परसेंटेज लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों का मैं मान सम्मान के साथ उनका सेवा सत्कार करता हूँ। फोटो बना के किलागत कमान तोप के साथ में शास्त्री गेट के साथ में उनका फोटो बना के मैं देता हूँ, 20 रुपये कॉपी में बना के दे देता हूँ। तो देखिए ये भैया है फोटोग्राफर। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रामनगर किले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? रामनगर किला राजा बलवंत सिंह के द्वारा निर्मित है। 1752 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किले के अंदर म्यूजियम है, व्यास जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। उस म्यूजियम में एक ऐसी घड़ी है जिसका टाइम टेबल, डेट, नक्षत्र, राशि वगैरह सब उस पर बना वो दिखाई देता है। उसमें आपको जो भी आप अपने अंदर उसको मिलेंगे खोजेंगे सब मिलेगा उसमें। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा दूसरे भैया से, भैया आप कुछ अगर बोलना चाहेंगे रामनगर के बारे में कि जो नई चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं, रामनगर में ये होना चाहिए, रामनगर में ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अगर चाहते हैं तो कुछ बता सकते हैं। तो भैया पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम है राजेश शुक्ला और रामनगर किला के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें प्राइस थोड़ा कम किया जाए। किस चीज़ का प्राइस कम किया जाए? थोड़ा टिकट का, म्यूजियम का टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसको दूर दूर से यात्री आते हैं देखने के लिए, अगर प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसको नहीं देख पाते हैं। जो अच्छी चीज़ हमारे शहर की है अगर उसको वो नहीं देख पा रहे तो फिर बेकार है उसको देखना। अच्छा भैया टिकट कितना है यहाँ? इसमें 50 रुपीज़ है, टूरिस्ट चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। ये यूट्यूब वीडियो है आपका, कोई चैनल भी है? हाँ, गोलू जी ब्लॉग है, सर्च करेंगे आ जाएगा। गोलू जी ब्लॉग। किसी को बोलना है भैया आप आ रहे थे, घबराइए मत, हम पैसा उधार नहीं लिया आपसे। इतना दिन से है, इतना पैसा आता है किला में, कभी पेंट नहीं हो रहा है, इसी तरह रहता है। तो आप चाहते हैं कि किले की मरम्मत हो, उसको सजाया जाए और अच्छे तरह से उसको बनाया जाए और डेवलप किया जाए, तो आप यही चाहते हैं? पैसा बहुत अंदनी है, कोई पेंट करने का कोई उपाय नहीं रहता है। तो आप लोगों ने देखा कि भैया ने जैसे बताया कि इनकी इच्छा है कि किले को और सुंदर तरीके से बनाया जाए। मेरा नाम दामोदर है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आप जी? अच्छा, तो ये स्टेट में तो आप करते क्या हैदराबाद में? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो आप किले के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप अभी तो घूम के आए हैं। ये तो पहली बार है मैं किला पे आना, तब मुझे तो उसके अंदर जाने के बाद ना जो म्यूजियम है उसमें जो पहले पहले हमारा ये जो राजा राज करते थे उन्हें कौन सा हथियार यूज करते थे, कि मैं मेरा लाइफ टाइम में उतने से अच्छा का हथियार कहीं देखा ही नहीं है। कई तरीके हथियार हैं, कई तरीके के कपड़े हैं और कई तरीके के पिस्टल्स हैं,
तो हम ये भी कभी कभी ना आप लोग डाउट ये आते हैं कि ना हमने पिस्टल यूज़ किए कि नहीं है। इतिहास में मुझे तो इतना गहरा ये नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने यहाँ तक पिस्टल भी यूज़ किए बोल के। मगर यहाँ मैं जब आया था ना उसमें मैं गिन नहीं पाया था उतना टाइप की पिस्टल्स हैं और उतना टाइप के हथियार हैं और अपने डैगर्स भी हैं और जो जो तरीका का जो हथियार यूज़ करते थे ना वो अच्छा लगा मेरे को। और मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मेरा भाई है और माँ के साथ। अच्छा, तो आपके भैया हैं ये? तो भैया आपका नाम क्या है? रवि है। रवि, रवि। तो आपकी माता जी है? जी। तो माता जी आपका नाम क्या है? मलम्मा है। क्या? मलम्मा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ रामनगर की सबसे मशहूर चाय पीने। भैया चाय। ये है रामनगर की सबसे मशहूर चाय। जो रामनगर आया चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं किया। तो मैं चलता हूँ, भैया लोग से पूछूंगा कि ये बनारस के लिए क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, काशी तो विश्व की सबसे पुरानी जीती जागती जो है ये नगरी है और बहुत सी सभ्यताएं जो है ये समाप्त हो गई हैं, लेकिन काशी का और काशी को महादेव जी का वरदान है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, काशी जो है वो जीवित रहेगी और जिंदा दिलों की ये नगरी है। काशी जिंदा दिलों की नगरी है और ये समाप्त नहीं हो सकती है, ये अमर है, काशी अमर है। बनारस में देखिए अभी तो बहुत कुछ काम हो रहा है और हमको लगता है कि आने वाले दिन में बनारस का स्वरूप बदलेगा। बनारस को कहते हैं जिंदा बनारस और ये वास्तव में जिंदा बनारस है। अगर आप रात 12 बजे भी दशा सुमेत पर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे इस ठंडक में भी। तो ये जिंदा बनारस है, बनारस के लोग मौज मस्ती में रहते हैं और हम लोग भी मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस समय जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा बहुत अच्छा है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट नज़र आएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बनारस हम लोग का तरक्की पे है? बहुत तरक्की पे है। हर चीज़ की व्यवस्था, रोड ठीक हो रही है, सड़क ठीक हो रहा है। सबसे बड़ा काम ये जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है ये बनारस के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मतलब कि बनारस तो भाई भारतीय संस्कृति का ही क्षेत्र है और बनारस में इस समय बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो भी विकास और बिजली पानी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। हम करते हैं थोड़ा सा हमारे यहाँ यातायात व्यवस्था जो ट्रैफिक का सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, लड़कियों की सेफ्टी के लिए आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही अभी वर्तमान में कुछ घटनाएं इस तरह की घटी हैं, इसके लिए तो सरकार को सख्त कानून बनाना होगा। पहले तो जो सबसे आवश्यक है कि सरकारों को इस पे सख्त कार्रवाई करने के लिए न्यायालय का जो व्यवस्था है वो भी जल्दी त्वरित कार्रवाई न्यायालय में भी होनी चाहिए और जो लोग भी ये मातृशक्ति और हमारे लड़कियों के प्रति अगर कुछ ऐसा भाव रखते हैं ऐसे मनचलों को तो तुरंत जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जहां तक मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने कई पुलिस भी इसकी बनाई हुई है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बना हुआ है और बनारस में राजीव सिंह जी हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड भी हैं। तो मैं देखता हूं कि बहुत त्वरित कार्रवाई लोग करवा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परिवार के जो लोग हैं उनको लड़कियों के बारे में ज़्यादा चिंता न करें, वो अपने लड़कों को जो है सिखाएं कि उनको अगर बाज़ार में वो चल रहे हैं तो शिक्षा लड़कों को ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों से ज़्यादा शिक्षा लड़कों को देने की ज़रूरत है कि वो अगर चल रहे हैं बाज़ार में तो डिसिप्लिन में रहें और लड़कियों के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव न करने, और अगर भेदभाव करने की कोई ज़रूरत करेगा तो उसके लिए योगी जी की सरकार खड़ी है और उनको त्वरित और मतलब सख्त सजा, अगर कुछ ज़्यादा उनके साथ घटनाएं घटती है तो निश्चित रूप से उनको फांसी की सज़ा तक का प्रावधान होना चाहिए। इस विषय पे तो सरकार को थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फाइनली आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और आगे भी बने रहें गोलू जी ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में।